Hello, good morning, India. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. मेरा नाम है सुमित राठी. आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी. सो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और शुरू करते हैं दोस्तों करंट अफेयर. देखो आपके लिए संडे को भी अब करंट अफेयर आ गया. कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं दोस्तों जो वीक के अंदर कवर नहीं हो पाते हमारे, तो वो टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आपके साथ में उपस्थित हूँ. ठीक है. सो आज का जो टॉपिक होगा, बेसिकली ये टॉपिक जो रहेगा इसके अंदर आज के करंट अफेयर के सेशन में, जितने भी अपने प्रीवियस टॉपिक्स हैं जो बच गए थे उनको अपन यहाँ पर क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा. और बात क्या है दोस्तों, सिंपल सरल बात है. करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यूपीएससी के अंदर. सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ही ध्यान के साथ यूपीएससी में तैयारी अगर करें तो करंट अफेयर को तैयार करना है. इसके लिए देखो पूरा यूट्यूब पे तो आपके साथ मेरा पूरा प्लान है ही, आप देख रहे हो. साथ साथ मैं आपके लिए प्लस प्लेटफॉर्म पर भी इसके लिए क्लास में जो है लेके आ रहा हूँ. प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं एक बैच है कब से लेके आ रहा हूँ आपका, 13 जनवरी 13 जैन से मेरा यहाँ पर बैच आ रहा है. आप आके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. जिसके पास है प्लस सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं है आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर जाकर. उसके लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो सुमित10. जैसे ही आप यूज करोगे यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. आपको 10% का डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा. सुमित10 आपको इस्तेमाल करना है रेफरल कोड के अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो सबसे पहला आज न्यूज है जो मेरे पास, दिस इज अबाउट द वेटलैंड कंजर्वेशन रूल. ठीक है. अभी अगर बात करें हम कुछ समय पहले, जस्ट पिछले वीक के अंदर ही, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने कुछ नए रूल वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए नोटिफाई किए हैं. ये वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड का भी मैं बताऊंगा आपको, किसको चीज को हम वेटलैंड बोलते हैं, क्या है, सारी की सारी जो है हम डिस्कस यहां पर करने वाले. वेटलैंड मतलब एक दलदली भूमि, मतलब ना तो वहां पर वाटर बहुत ज्यादा, मतलब स्टेग्नेंट वाटर है, फ्लो नहीं कर रहा और काफी टाइम से पानी जो है भरा हुआ है. और पानी भरा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा भी पानी है, दलदल टाइप का माहौल वहां पर है. सो उसको हम बोलते हैं वेटलैंड. सो वेटलैंड कंजर्वेशन अभी मैं बताऊंगा एक जो ये वाटर से सैचुरेट होती है एकदम, मैं इसकी डेफिनेशन भी दूंगा. ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ना माइंड के अंदर एक पिक्चर बन जाए. तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज नोटिफाइड अ न्यू वेटलैंड कंजर्वेशन रूल दैट प्रोहिबिट द सेटिंग अप और एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिस्पोजल ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट विद इन द वेटलैंड. देखो यार सिंपल बात मैं बता देता हूँ, वेटलैंड का ना अभी क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, दलदली मिट्टी है तो जो भी हम जो कचरा, जो हम कोई बिल्डिंग तोड़ते हैं तो डिमोलिशन के बाद जितना भी हमारे पास कचरा बचता है ना, वेस्ट बचता है, हम उसमें डाल देते हैं. ठीक है. साथ साथ हम क्या करते हैं, कोई हमें नई इंडस्ट्री बनानी है तो और जमीन है नहीं मान लो किसी एरिया में, तो हम क्या करेंगे, वेटलैंड को ही साफ करेंगे, क्लीन करेंगे और वहां पर नई इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर देंगे. सो लगातार इससे क्या हो रहा है, हमारे जो वेटलैंड है उन पर हम एनक्रोचमेंट कर रहे हैं और उन्हीं के एनक्रोचमेंट से उनको बचाने के लिए, वेटलैंड जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत 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 ज्यादा जरूरत है. वेटलैंड इकोसिस्टम सर ने आपको पढ़ाया था, वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र आपका अंकित सर ने क्लास आपकी ली हुई है. सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो यार जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने सोचा कि क्यों ना कुछ नए रूल बनाए जाते हैं, किसके लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए. और यही रूल जो है ये बनाए गए हैं ताकि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का वेस्ट उसमें ना डाला जाए और जो इंडस्ट्री एक्सपेंड करना चाह रहे हैं उनको यहां पर रोका जा सके. सो पर्यावरण मंत्रालय ने नए वेटलैंड संरक्षण नियम को अधिसूचित किया है जो उद्योगों की स्थापना, विस्तार और वेटलैंड्स के भीतर निर्माण और विध्वंस कचरे से निपटने पर रोक यहां पर लगाता है. डिटेल में थोड़ा सा मैं चलना चाहूंगा डिटेल के अंदर. द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट ईच स्टेट. देखो सब मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को साफ साफ शब्दों में बोला है, क्या बोला है, कि एक आप अथॉरिटी अपने राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करोगे. और अथॉरिटी किसके लिए, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए आप एक अथॉरिटी, एक अपने वहां पर एक अथॉरिटी, एक बॉडी जो है वो क्रिएट करोगे. उसका क्लियर कट काम यही रहेगा कि किस प्रकार से वेटलैंड को कंजर्व करना है, उसके लिए उसको स्ट्रेटजी बनानी है और क्या उसका जुरिसडिक्शन रहेगा, कितना उसका जो है, अगर मैं बात करूँ आपका तो कितना उस प्राधिकरण का, उस संस्था का जो जुरिसडिक्शन रहेगा,
करेगा, ये सारी की सारी बात जो है वो स्टेट डिस्कस करेगा। देखो सिंपल बात है, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए आपको क्या करना है, रूल बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने रूल बनाए, नोटिफाई कर दिए हैं। पहली बात उसने बोली है कि अथॉरिटी होगी, एक प्राधिकरण होगा, है ना। मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक प्राधिकरण स्थापित करना होगा जो अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए रणनीतियां जो है आपका वो तैयार करेगा। इसका काम क्या होगा इस अथॉरिटी का, कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज हैं ये वो बनाएगा। अगली मैं बात कर रहा हूं, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल वेटलैंड। अथॉरिटी को बोला गया कि जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में जितनी भी वेटलैंड है आपकी, तो उनकी आप क्या करोगे, एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करोगे। अथॉरिटी शुड डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी रेगुलेटेड एंड परमिटेड विद इन द नोटिफाइड वेटलैंड एंड देयर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। प्राधिकरण को अधिसूचित आर्द्र भूमि और उनके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित और अनुमत गतिविधियों की एक व्यापक सूची विकसित करनी पड़ेगी। मतलब क्या क्या काम आप यहाँ कर सकते हो वेटलैंड के परमिटेड जोन में और क्या क्या काम आप नहीं कर सकते, इस सारी चीज की एक जो सूची है वो बनानी पड़ेगी इस अथॉरिटी को। द अथॉरिटी विल बी हेडेड बाय द एनवायरमेंटल मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जो भी उस राज्य का जो आपका एनवायरमेंट पर्यावरण मंत्री है उस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का, वही इसका नेतृत्व करेगा। बात समझ में आ रही है, एक अथॉरिटी बनेगी, अथॉरिटी का लीडर कौन होगा आपका, उस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का एनवायरमेंट मिनिस्टर। काम क्या होगा, जितने भी राज्य के अंदर वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, सबकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, ये बताएगा कि क्या क्या स्टेप लेने चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारे के सारे काम जो है इसके द्वारा किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या काम किया जाएगा। इट प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर हैंडलिंग स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ये क्या करेगा भाई, जो आपने विध्वंस कचरा जो हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से के बाद में जो कचरा बचा है या बिल्डिंग को गिरा के जो आपने कचरा बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग से जो कचरा बनाया, उनको आप नहीं डाल सकते, है ना। कवर्ड अंडर जो किस रूल के अंदर आते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, हैजार्डस सब्सटेंस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कवर्ड अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, और सॉलिड वेस्ट डंपिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री सिटीज टाउन एंड विलेज एंड अदर ह्यूमन सेटलमेंट विद इन सच बॉडीज। मतलब यार आप कचरा कूड़ा इन नियमों के तहत जो कचरा और कूड़ा जो है वो आप इन वेटलैंड के अंदर नहीं डाल सकते। इसमें निर्माण और विध्वंस कचरे के निर्माण, हैंडलिंग, भंडारण या निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कवर, खतरनाक पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2013 के कवर किया गया है। ठोस अपशिष्ट डंपिंग और इस तरह के निकायों के भीतर उद्योग, शहरों, कस्बों, गांव और अन्य मानव बस्तियों में बेकार अपशिष्ट और अपशिष्टों का निर्वहन इसके द्वारा किया। मतलब कहने का मतलब है, पूरी रामायण का मतलब एक ही है कि यार अलग अलग प्रकार का जो तुम कचरा यहां डालते हो, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, या कोई भी हैजार्डस आपका सामान हो वो, या कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन के बाद का जो वेस्ट हो, या ह्यूमन सेटलमेंट जहां आदमी रहते हो तो आदमियों का कोई कचरा हो, तो ऐसी चीज जो है यहां पर आप डंप नहीं करोगे। सिंपल सी बात यहां पर बोली गई है। सभी को प्रणाम यार मेरा, सभी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार एक बार क्लास को जल्दी से आप समय लेके एक बार शेयर करेंगे और जल्दी से शेयर आप कर दीजिए तो ये बहुत अच्छा होगा। एक बार आप शेयर कर दे तो इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपको दो मिनट लगेगा टेलीग्राम या जो भी ग्रुप आपके पास है, जिस भी ग्रुप पर आप जुड़े हुए हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक बार इसको शेयर कर दो यार। आपके लिए कुछ इनिशिएटिव्स हम लेके आए हैं ताकि हम इनको और मोटिवेशन के साथ में मैं कर पाऊँ, ठीक है। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार, इतना तो कर ही सकते हो, संडे भी आपके लिए आ रहा हूँ मैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सैफी साहब, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो एक बार जल्दी से यार इसको शेयर कर दो, मैं कमेंट थोड़े कम पढ़ूंगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है हमारा, ठीक है। सो इसलिए ये हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, अदरवाइज काम जो है हमारा हो ही नहीं पाएगा आज। अगला क्या बोला गया, द अथॉरिटी विल ऑल्सो इंक्लूड वन एक्सपर्ट ईच इन द फील्ड ऑफ वेटलैंड इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, फिशरीज, लैंडस्केप प्लानिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सिंपल बात बोल रहा है, जो अथॉरिटी आप बनाओगे ना, जो अथॉरिटी आप बनाएंगे उसके अंदर में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट भी होंगे। एक एक्सपर्ट इकोलॉजी का होगा, एक एक्सपर्ट हाइड्रोलॉजी का होगा, एक एक्सपर्ट फिशरीज का होगा, है ना, एक लैंडस्केप प्लानिंग का होगा, कुछ सोशियो इकोनॉमिक एक्सपर्ट होंगे विच आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हिंदी में सिंपल सी बात मैं कर रहा हूँ कि प्राधिकरण के अंदर राज्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाने वाले आर्द्र भूमि,
पारिस्थितिक विशेषज्ञ, जल विज्ञान, मत्स्य पालन, लैंडस्केप योजना और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के प्रत्येक विशेषज्ञ को इसके अंदर क्या किया जाएगा, शामिल जो है वो किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी क्यों किया गया दोस्तों, बैकग्राउंड क्या है इसका, मैं आपको बता दूं। अभी भारत के अंदर एक कन्वेंशन हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटी की, और वो सेशन जो था उसका नाम था 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटीज ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD COP 14, इसकी UNCCD की 14वीं मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहाँ पर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हुई थी, जहाँ पर ये बात साफ साफ बोली गई है कि भारत के अंदर, भारत सरकार ने कहा कि भारत के अंदर 100 ऐसे वेटलैंड है पूरे कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन और टूरिज्म के प्रेशर के अंदर, मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और टूरिज़्म जो है यानी कि आपका टूरिज़्म के चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ये बात बोली गई कि गवर्नमेंट को ना अभी इन साइट के साइज के बारे में और इनकी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। सो उन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो है कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि इन वेटलैंड को पहचाना जा सके और इनको रिस्टोर करने के लिए जो पर्याप्त जो इनके रेस्पेक्ट में जो काम है वो किया जा सके और इनको पुनः रिस्टोर किया जा सके। पूरा का पूरा काम किया ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD COP 14 के लिए पार्टियों के सम्मेलन में 14वें सत्र में भारत सरकार ने कहा कि प्रदूषण, तनाव और पर्यटन दबाव से देश भर में 100 से अधिक आर्द्र भूमि है। सरकार वेटलैंड के आकार और स्थान से अभिनज्ञ, अभी तक उसको पता ही नहीं है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्न हो जाता है कि सरकार एक ऐसी रिपोर्ट बनाए, एक ऐसी अथॉरिटी बनाए जिससे इन वेटलैंड को पहचाना जा सके और इनके रिस्टोरेशन, इनके बचाव के लिए पर्याप्त काम जो है वो किए जा सकें। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं, अब बात आती है सर वेटलैंड क्या होता है। आप पूछोगे सर ये वेटलैंड किए जा रहे हो, आपको ये है क्या वेटलैंड, तो वेटलैंड क्या होता है दोस्तों, वेटलैंड जो है इट इज एन एरिया दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर ईदर परमानेंटली और सीजनली, ठीक है, एंड इट इज टेकन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम। कोई भी ऐसी जमीन जो पानी से सैचुरेट है, मतलब उसने पानी जितना पीना था ना वो पी लिया है, अब वो ना पानी पिएगा, उसमें पानी खड़ा रहेगा, मतलब दलदल टाइप का जो ये इलाका होता है इसको हम बोलते हैं। ये सीजनल भी हो सकता है, मतलब हो सकता है बरसात के मौसम में ही बने, या ये हो सकता है आपका ये कंटिन्यू रहे, ये परमानेंट हो, ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं। और ये एक अलग हमारा इकोसिस्टम माना जाता है, इसको एक अलग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड इकोसिस्टम जो है अंकित सर ने आपको एनवायरमेंट में कवर करा भी दिया है, नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम आपको ये मैं कराऊंगा, ठीक है। अब वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रीटी है जिसको हम बोलते हैं रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, 1971 के अंदर ये साइन हुई थी, कहां पर, आपका ईरान के एक जगह है जिसका नाम है रामसार। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब बहुत सारे सरकारों ने आपस में साइन की हुई है, विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। जिसका उद्देश्य क्या है मैं बताता हूं आपको। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा आपका प्रदान करती है। कौन? इंटरनेशनल रामसार कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड 1971। अच्छा, जो साइट इसके अंदर रजिस्टर्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रामसार साइट। क्या बोलते हैं? रामसार। इट इज अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन। देर आर 27 रामसार कन्वेंशन साइंड इन इंडिया। भारत के अंदर ऐसी 27 वेटलैंड है जो कवर होती है किसके अंदर, रामसार साइट के अंदर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? रामसार साइट जो है इनको रामसार कन्वेंशन के अंडर में एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आपका मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, वो भी सेम चीज है जिसके अंदर वेटलैंड के बारे में ही चर्चा जो है हमारे पास वो की जाती है। सो वेटलैंड क्या है? इट इज अ लैंड विच इज सैचुरेटेड विद द वाटर, है ना। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान की एक जगह थी रामसार, वहां पर ट्रीटी हुई, एक संधि हुई 1971 में, बहुत सारे सरकारों ने मिलकर काम किया। इसका काम ही क्या था कि किस प्रकार से जो वेटलैंड है इनको बचाया जा सके, इनको कंजर्व किया जा सके, इनका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, यहां से जो रिसोर्स हमें, संसाधन जो हमें प्राप्त होते हैं उनका वाइज इस्तेमाल किया जा सके, ताकि इस इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। जो जो एरिया इसके अंदर आते हैं, डेजिग्नेट किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रामसार साइट। भारत के अंदर अभी वर्तमान में 27 रामसार साइट जो है वो उपलब्ध है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है दोस्तों? मैंने बताया ना, ये जो रिकॉर्ड आप रखते हो ना, इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। मैंने बोला ना, भारत की 27 साइट है,
अब हर साइट के बारे में एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, उसी रिकॉर्ड को, पूरे रिकॉर्ड को हम बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। सो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? सो दोस्तों मॉन्ट्रेक रिकॉर्ड जो है इट इज अ रजिस्टर्ड ऑफ वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ रामसार वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इट शो सच साइट वेयर देर हैज बीन और लाइकली टू बी द एडवर्स इकोलॉजिकल चेंजेस टू द एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर मानव के द्वारा किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके का अगर प्रदूषण वहां पर फैलाया जा रहा है और ये संभावना है कि उससे वो साइट नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है, उस पर कोई बुरा परिणाम अगर हो सकता है, तो ऐसे वेटलैंड्स का रिकॉर्ड जो है ये बना के रखता है। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसार आर्द्र भूमि की सूची में के वेटलैंड साइट का एक रजिस्टर है, रामसार साइट का एक रजिस्टर है। ये ऐसी साइटों को दिखाता है जहां मानव जाति मानव जनित गतिविधियों के कारण प्रतिकूल परिस्थितिक परिवर्तन होने की संभावना है। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भारतीय स्थल किला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोकतक झील मणिपुर, ये आदि इसमें शामिल है। ठीक है, किलो देवी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, लोकतक लेक हो गया, मणिपुर, ऐसी 27 प्लेस हैं। अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाते हैं हम? देखो 2 फरवरी को ना, हम हर साल उसको 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मार्क किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, रामसार कन्वेंशन वेटलैंड जिसका थीम जो था 2020 का, वो थीम क्या है? वेटलैंड एंड बायो डाइवर्सिटी। डन दोस्तों, वेटलैंड के बारे में पूरी बात मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं। अब वेटलैंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए आपको, चाहे वो करंट रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कॉन्टेम्प्रेरी हो, बचना नहीं चाहिए। अगर बच गए ना तो आप मेरे हाथों से नहीं बचोगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूं यार, मतलब आपको सब कुछ मैंने बता दिया है अबाउट वेटलैंड्स, यू नो एवरीथिंग, रामसार कन्वेंशन, रामसार साइट, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट एग्जैक्टली द वेटलैंड इज, गवर्नमेंट नोटिफाई न्यू रूल्स, एवरीथिंग, यू नो अबाउट द एवरी सिंगल थिंग अबाउट द रामसार द वेटलैंड्स। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं और कुछ बचेगा। ठीक है लड़कियों, ध्यान दो, आपसे रिजल्ट की ज़्यादा उम्मीद रहेगी यार, लड़कियों से आजकल बहुत उम्मीद है यार, ऐसा मानने आया है। लड़कियाँ जो है, इनका ब्रेन जो है लड़कों से बहुत तेज होता है, पावरफुल है, काफी स्ट्रांग होता है। मानते हो इस बात को? मानते हो भाई? कमेंट देख लेता हूं, देखो कैसे कमेंट आएंगे। देखो लड़के तो एक भी नहीं मानते, लड़के तो कह रहे नहीं सर कोई तेज वेज नहीं होता दिमाग। नहीं यार, ये बात प्रूवन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका। अब देखो ये पक्षी दिख रहे हैं आपको, ये अपने इधर के नहीं है, ये साइबेरिया के हैं, इंडिया में आए हैं अंडे देने। साइबेरिया मतलब रशिया वाला इलाका, और बहुत ठंड हो जाती है इस टाइम, वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो ये क्या करते हैं, जब इनको अंडे वंडे देने होते हैं ना, तो ये माइग्रेट कर जाते हैं गर्म इलाकों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 3 महीने माइनस में चलेगा, 0 डिग्री के आसपास रहेगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, ये अंडे वंडे देने के लिए, हैचिंग के लिए ना, ये इंडिया के अंदर साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऐसे कुछ ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, ये आपके साइबेरिया क्षेत्र के, ये भारत के अंदर देखे गए हैं। कहाँ देखे गए हैं, बस उसी बात की तो चर्चा करनी है, कहाँ देखे गए हैं। देखो नाम भी आपके सामने लिखा हुआ है, अलमाती बैकवाटर। ठीक है, कहाँ पर देखे गए हैं दोस्तों ये अलमाती बैकवाटर। ये अलमाती बैकवाटर क्या है? बैकवाटर मतलब ये इकट्ठा हुआ एक पानी है, पानी इकट्ठा कर रखा है। कहाँ पर इकट्ठा कर रखा? अलमाती डैम के पास। ये अलमाती डैम जो है ये एक नदी पर बनाया गया डैम है, उस नदी के बारे में मैं भी अभी जस्ट आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं बताऊंगा वो नदी किसकी सहायक नदी है। तो किस नदी पर है अलमाती डैम? ये है आपका घाट प्रभा नदी पर, और ये घाट प्रभा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो बेसिकली ये कहाँ पर है पता है आपको? अलमाती बैकवाटर ये कर्नाटक में है। पूरी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। मेन मुद्दा क्या है कि कुछ साइबेरिया से माइग्रेटरी पक्षी है ना, कहां पर देखे गए हैं? ये देखे गए हैं अलमाती बैकवाटर के पास में। ठीक है, अब ये क्यों देखे गए हैं दोस्तों? वहां टेम्परेचर जो है बहुत ही हॉस्टाइल है, ये वहां पर हैचिंग जो है इस टाइम पे नहीं कर सकते, अंडे वंडे वहां नहीं दे सकते भाई, क्योंकि टेम्परेचर 0 से नीचे है ना, कोई ऑमलेट बना के खा जाएगा फ्राई करके, इसलिए ये साउथ में आ जाते हैं और यहां पर आके ये हैचिंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो कहाँ पर किया है ये अलमाती बैकवाटर जो है, यहाँ पर ये देखे गए हैं। अलमाती जो है एक डैम है, एक बांध है, बेसिकली किस नदी पर है ये आपका? ये घाट प्रभा नदी पर हमने बनाया, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कर्नाटक के अंदर है डैम। पूरी डिटेल जो है मैं डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्यों न्यूज़ में है। सो द बैकवाटर ऑफ अलमाती डैम ऑन द घाट प्रभा आर टीमिंग विद द माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम द साइबेरिया। साइबेरिया से आने वाले जो बहुत सारे पक्षी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 50 वेराइटी ऑफ द बर्ड्स नंबरिंग ओवर 15,000 विजिट द बैक वाटर।
सर इट विल टेक अराउंड 1 आवर. या ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात. अराउंड 50 वैरायटी के बर्ड जो है यहां पर देखने को मिले, लगभग 15,000 की संख्या में यहां पर देखने को मिले लोग. द बर्ड्स इंक्लूड्स फ्लेमिंगोज, इसमें फ्लेमिंगोज है, स्पून बिल्स हैं, पिंटोल डक हैं, रिवर टर्न्स हैं, सीगुल्स हैं, बार हेडेड गीज हैं, अमंग अदर. ये बहुत सारी हैं, 15,000 से अधिक पक्षी यहाँ 500 किस्म के देखने को मिले हैं. पक्षियों में फ्लेमिंगो, स्पून बिल, पिटेल बतख, नदी टर्न, सीगल, बार हेडेड गीज आदि ये क्या है, सारे के सारे शामिल यहाँ पर हैं. दीज बर्ड्स आर सीन लार्जली इन मालापुर. ठीक है, कहाँ पर देखने गए हैं, मालापुर में, चीका में, संगम में, हरकेल विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट. These beautiful birds cover nearly 5,000 किलोमीटर. ये 5,000 किलोमीटर चल के साउथ में आए हैं दोस्तों, किस लिए, अंडे देने के लिए, ताकि वहाँ अगर ठंड ज़्यादा है तो कभी ऑमलेट बना के ना खा जाए कोई. नवंबर से फरवरी में यहीं पे रहेंगे, मस्त फर्स्ट क्लास अंडे देंगे और अपने बच्चों को ही लेके जाएंगे यहाँ से. बात समझ में आ रही है. सो अब बात कह रहे हैं कि वाई दीज बर्ड्स माइग्रेट सो फार, क्यों ये बर्ड जो है इतनी साउथ की ओर आती हैं. तो व्हाई दीज बर्ड्स माइग्रेट सो फार इन द साउथ. ठीक है, सो प्राइमरी रीजन क्या है दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट द साइबेरिया. साइबेरिया मींस द रीजन विच लाइज इन द रशिया. द फिजिकल डिवीजन ऑफ द रशिया इज नोन एज द साइबेरिया. साइबेरिया जो है रशिया के अंदर आता है. एक फिजिकल डिवीजन जब मैं करता हूँ रशियन का, तो वहां पर हम बोलते हैं उसको साइबेरिया. सो साइबेरिया के अंदर बेसिकली ये जो बर्ड्स हैं ये वहां पर रहते हैं, है ना, और वहाँ टेम्परेचर इस समय बिलो 0 डिग्री गिर जाता है. बहुत कम तापमान हो जाता है विंटर के दौरान, इसीलिए मैंने बताया आपको अंडे दे नहीं पाएंगे. तो ये क्या करते हैं, गर्म जगह पे आते हैं जो कंड्यूसिव हो फॉर द लेइंग एंड हैचिंग द एग्स. इसलिए वो गर्म क्षेत्रों की ओर यात्रा करते हैं जो अंडे देने और अंडे देने के लिए अनुकूल हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अभी अलमाती बैकवाटर की मैं बात कर रहा हूं. क्या है अलमाती बैकवाटर जो है ना, इट कवर अराउंड 100 किलोमीटर एरिया. 100 किलोमीटर का एरिया है. इट क्रिएट वास्ट सेलो पॉन्ड सिचुएटेड इन द घाट प्रभा रिवर. तो दोस्तों अलमाती बैकवाटर के बारे में बता रहा हूँ. ये क्या है, ये 100 किलोमीटर का एरिया है. अलमाती बैकवाटर जो है ना, ये लगभग कितने का, 100 किलोमीटर का एरिया है. इट क्रिएट वास्ट सेलो पॉन्ड, बहुत गहरे बड़े बड़े यहाँ पर पॉन्ड तालाब जो है वो बन गए हैं, जो कहाँ पर स्थित है, आपके घाट प्रभा नदी पर ये स्थित है. ठीक है, अब ये जो घाट प्रभा नदी है, दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. मतलब अगर ये कृष्णा नदी जा रही है ना, तो ये नदी जो है राइट से आके मिल रही है कृष्णा से. ये कृष्णा है तो ये घाट प्रभा है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है, मैंने नदियों का एक टॉपिक है अपना ज्योग्राफी का, यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, वहां पर मैंने इसको डिटेल में कराया हुआ है. सो इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड जॉइंस द रिवर कृष्णा एट चिकन आपका चिक संगम कर्नाटक. ये कर्नाटक में चिक संगम पे जाके मिलती है, किससे, आपका कृष्णा नदी से. इट फॉर्म्स द गोका फॉल इन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक. ये एक फॉल भी बनाती है, एक झरना भी बनाती है, कर्नाटक के बेलगाम जिले में गोकक जल प्रभात ये बनाती है. इट हैज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द इरीगेशन डैम एट द हिडल हिडकल. यहाँ पर एक डैम भी बना हुआ है हिडकल में, जल विद्युत और सिंचाई संबंधी यहाँ पर बांध हमने इस पर बना रखे हैं. कहाँ पर है अगर मैं बताऊँ आपको, देखो उड़ीसा के अंदर. ठीक है, अब नेक्स्ट एक हमारे पास टॉपिक है, उसके अंदर मैं बात करूंगा उड़ीसा की लेक चिल्का. देखो ये उड़ीसा है ना अपने पास. ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख पा रहा हो, ये है लेक चिल्का, है ना. अब लेक चिल्का का जो कोर जोन है ना बीच में, जो चिल्का के भी बीच के अंदर स्थित है, आपने सुना होगा ना कोर और बफर जोन किसे कहते हैं, ये कोर जोन होता है. ठीक है, और इसके चारों ओर क्या होता है आपका, दिस इज बेसिकली नोन एज द बफर जोन. ठीक है, याद करो मैंने टाइगर हैबिटेट के अंदर भी आपको बताया था, है ना. कोर जोन मतलब जिसमें एकदम प्रोटेक्शन बहुत तगड़े डिग्री की होती है भाई. यहाँ पर ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो एरिया होता है जहाँ पर बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरवेंस अलाउड ही नहीं होता.
समझ रहे हो बात, बिल्कुल नहीं अलाउड होता। यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाती है उस वाइल्ड एनिमल को, उसको वाइल्ड फॉर्म में रहना दिया, बट यहाँ पर ह्यूमन के साथ में ना एक मतलब म्यूचुअल एक यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटी हम ऑर्गेनाइज यहाँ पर कर देते हैं। सो अभी मैं बात करने वाला हूँ चिल्का लेक और इससे संबंधित एक टॉपिक की, तो क्या है वो जल्दी से अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज अबाउट, दिस इज चिल्का लेक, लेक चिल्का, इसकी भी खास बात बताऊंगा क्या है। तो आज ये जो हम ये बात कर रहे हैं, हम ये चिल्का के कोर जोन की मैं बात करूंगा, और चिल्का का जो कोर जोन है दैट इज नालाबन्ना बर्ड सेंचुरी। रिसेंटली दिस नालाबन्ना बर्ड सेंचुरी इज इन न्यूज। क्यों था ये न्यूज में? देखो जो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मैंने बताया नालाबन्ना, अगर ये चिल्का लेक है तो इसके बीच में सेंटर के अंदर लगभग 15 square kilometers का ये एरिया है सेंटर इसके कोर में, जिसको बोलते हैं नालाबन्ना बर्ड सेंचुरी। ये एक आइलैंड है, चिल्का नदी के बीच में स्थित है, एक आइलैंड है, एक छोटा सा द्वीप है, और ये द्वीप जैसे मानसून के टाइम पे तो बिल्कुल डूब जाता है, बाकी टाइम पे ये बाहर रहता है ना। और इसी द्वीप पर बहुत सारे जो पक्षी हैं वो देखे जाते हैं, कोर एरिया माना जाता है किसका, ये आपका दोस्तों लेक चिल्का का कोर जोन ये माना जाता है। तो अभी जो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने प्रिडिक्ट किया है, एक्सपेक्ट किया है कि इस बार जो नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी मतलब जो प्रवासी पक्षी हैं जो चिल्का लेक पे आने वाले हैं, वो पिछली बार की तरह इस बार भी 10 लाख के आंकड़े यानी कि 1 मिलियन के आंकड़े को क्रॉस करने वाले हैं इन द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर इन 2020। बाद में समझ में आई। तो नालाबन्ना बर्ड सेंचुरी पूछा जा सकता है कहां स्थित है, पेपर में एग्जाम में आ सकता है, क्यों फेमस है, काहे को फेमस है ना। तो सारी बातें आज मैं यहां आपसे करूंगा, चिल्का लेक के बारे में बताऊंगा। सो न्यूज में क्यों थी दोस्तों? माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से है ना। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोला था कि जो माइग्रेटरी बर्ड जो है जो चिल्का नदी झील में इस बार आने वाली हैं, वो पिछली बार की तरह यहाँ पर इस बार भी 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर सकती है। ठीक है भाई, कर लेगी तो देख लेंगे, है ना। अब थोड़ा सा नालाबन्ना के बारे में पढ़ते हैं, नालाबन्ना बर्ड सेंचुरी जो है ये क्या है। सो नालाबन्ना बर्ड सेंचुरी वॉज नोटिफाइड इन 1987 में नोटिफाई थी, वैसे बना इसको बहुत पहले 74 के अंदर हमने इसको अनाउंस कर दिया, बट नोटिफाई होने तक इसको समय लग गया 87 तक का, है ना। इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन विद 374,752 बर्ड ऑफ 114 डिफरेंट स्पीसीज इंक्लूडिंग वाटरफॉल्स। अगर यहां पर अगर आप बात करना चाहते हो तो 114 प्रजातियों के 374,752 पक्षियों के साथ सबसे बड़ी मांडिया में से एक है, जिसमें पानी के फवारे भी आपके यहां पर शामिल है। नालाबन्ना बर्ड सेंचुरी की मैं बात जो करता हूँ, नालाबन्ना बर्ड सेंचुरी और नालाबन्ना आइलैंड भी इसको बोलते हैं, मैंने बताया एक आइलैंड है। आइलैंड इज द कोर एरिया ऑफ द रामसार डेजिग्नेटेड वैगलैंड ऑफ द चिल्का, एकदम बिल्कुल उसका कोर एरिया। अगर ये आपकी चिल्का झील है ना तो उसके बीच के अंदर ये स्थित है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड सेंचुरी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड, पहले इसको क्या बोया गया था, एक बर्ड सेंचुरी बताया गया था, वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया था 1972 में। जी आइलैंड जो है मॉनसून में डिसअपियर हो जाता है, पूरा मतलब पानी में ढक जाता है, पोस्ट मॉनसून ये बाहर आ जाता है। ठीक है, चिल्का लेक के बारे में बात कर लेते हैं। चिल्का लेक जो है एक ब्रैकिश वाटर लेगून है, लेगून मतलब समझते हो, देखो ये कहां पर है चिल्का, देखो यहां पर है, देखो यहां पर है। तो ये जो आपका, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊंगा, शायद आप देख पाए ध्यान से, दिख रहा आपको, नहीं दिख पा रहा। ये जो है ना, ये बीच में बेसिकली दो नदियां यहाँ गिरती हैं, तो उनका नदियों के गिरने की वजह से डेल्टा बन गया, तो ये समुद्र का पानी है ना, ये यहाँ पर बीच में फंस जाता है, इसीलिए नदी बनती है। तो ये वास्तव में समुद्र का बीच में फंसा हुआ पान है, तो ये पानी है, तो ये कैसा होगा, खारा तो होगा ना, तो इसीलिए बोला जाता है इट इज अ ब्रैकिश वाटर लेगून। का मतलब होता है कि समुद्र का जब कोई पानी जमीन के पास में, जमीन के अंदर में फंस जाए ना, उसको बोलते हैं लेगून। सो इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून, सबसे बड़ा भारत का ये लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन द वर्ल्ड, और दुनिया का दूसरा है। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है सर द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ। ठीक है, कैलेडोनियन बैरियर रीफ जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी लेगून वाटर, ब्रैकिश वाटर लेगून ये है। लेगून मतलब समुद्र का वो एरिया जो जमीन के अंदर आके फंस जाता है। ठीक है, कोस्टल एरिया में ही होगा, तो ऑब्वियस बात है जमीन, अब बिहार में तो आज नहीं जाएगा समुद्र, या हरियाणा में, पंजाब में समुद्र पहुंच जाएगा। इट हैज बीन लिस्टेड एज ए टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको यार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में माना जाता है। इसे एक अस्थाई यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
चिल्का लेक जो है इट वॉज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन इन 1981. देखो अभी रामसार पढ़ाई थी तो ये रामसार कन्वेंशन के अंडर में भी आती है आपका. द लेक इज ऑल्सो होम ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. दीज बर्ड्स ट्रेवल्स ग्रेट डिस्टेंस टू रीच द चिल्का लेक. और ये तो फेमस इसीलिए है क्या कि जब नॉर्थ में गर्मी हो जाती है ना तो वो जितनी भी जो पक्षी है ना वो साउथ में आते हैं और उनका फेवरेट स्पॉट है कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर. ये जो लेक चिल्का है दिस इज द फेवरेट स्पॉट फॉर दिस माइग्रेटरी बर्ड्स टू ले एंड हैचिंग देयर एग्स. ठीक है, तो यहाँ पर वो आती है, उनका फेवरेट स्थान है ये. जैसे अभी मैंने बताया था एक जगह और अलमाती डैम के बारे में बात की थी. अच्छा, चिल्का लेक जो है इसमें एक सिग्नेचर स्पीसीज है, इसको बोलते हैं हम इरावदी डॉल्फिन. ठीक है, एक गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, ये कौन सी है, इरावदी डॉल्फिन इसको बोलते हैं. तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, सोसी की प्रजाति, इसको बोलते हैं इरावदी डॉल्फिन, है ना. और इसको IUCN ने आपका कैसा एक एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो बताया गया है. तो ये यहाँ की चिल्का लेक की एक फ्लैगशिप स्पीसीज है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसकी एक स्पीसीज है. ठीक है, चलो है तो है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट जो है मेरे पास ये है दोस्तों आपका एनवायरनमेंट का ही ये टॉपिक मैं कहूँगा इसको, दैट इज मीकोस 3. आपको याद तो नहीं है, खैर मेरी तो जिम्मेदारी है आपको बताना. ये भी मैं आपको करा चुका हूँ मीकोस ऐसे कैसा, आप देखोगे प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आपको डिस्कस ये कर चुका हूँ, बट इंपॉर्टेंट है दोबारा बता रहा हूँ. मीकोस से आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, मीकोस 3 मतलब ये तीसरा एडिशन है. देखो सबसे पहले हमने कौन सी न्यूज कवर की दोस्तों, सबसे पहले हमने न्यूज की थी कवर अबाउट दिस वेटलैंड कंजर्वेशन रूल जो भारत सरकार ने बनाए हैं. दूसरा फिर उसके बाद हमने बात किया किसके बारे में, अलमाती डैम के बारे में बात किया जहां पर ये माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज देखने को मिली है. और तीसरी हमने बात की नल्ला बन्ना बर्ड सेंचुरी के बारे में जो चिल्का लेक का कोर एरिया के अंदर में स्थित है, दुनिया की दूसरी बड़ी जो है ये बैकवाटर लेगून है. अब बात करें मीकोस 3, 3 का मतलब है तीसरा एडिशन है. ठीक है, द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैरिटाइम इकोलॉजी. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैरिटाइम इकोसिस्टम के ऊपर है इसलिए इसको बोलती है नाम हमने मीकोस 3. सो द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द मैराइन इकोसिस्टम मीकोस 3 विल बी हेल्ड इन द कोची केरला. कब से हुआ है पता है आपका, 7 से लेकर 10. ठीक है, मतलब कल फिनिश हो चुका है. ठीक है, डिटेल बाद में बताऊं तो इसकी, तो ये किसने किया है, मराइन बायोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट किया है. मीकोस 3 जो है इसका काम क्या होगा, इट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑन अ रेंज ऑफ द टॉपिक इंक्लूडिंग द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस ऑन मराइन इकोसिस्टम एंड अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द अरेबियन सी. बेसिकली क्या बात करेंगे हम, पता है यहाँ पे आपको कि क्यों जो ग्लोबल जो वार्मिंग है किस प्रकार से वो मराइन इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही है और किस प्रकार से ये जो हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर है ना, ये अपने आप पता नहीं इसको क्या दिक्कत हो रही है, गर्म होता जा रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस की वजह से. अब टेम्परेचर क्यों बढ़ता है ग्रीन हाउस गैस की वजह से वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो मरीन बायोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मीकोस कई विषयों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा जिसमें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु संकट का प्रभाव और अरब सागर का एक असामान्य वार्मिंग भी क्या होगा दोस्तों, शामिल रहेगा. So the symposium is aimed at reviewing the concern involved in the marine ecosystem and formulating strategies for the better and sustainable utilization of the marine wealth by the enhancing livelihood options. और भी उद्देश्य हैं इसके संगोष्ठी के, क्या कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में शामिल चिंताओं की समीक्षा करना और आजीविका के विकल्पों को बढ़ाकर समुद्री संपदा के बेहतर और स्थायी उपयोग के लिए रणनीति तैयार करना, ये भी इसका काम रहेगा. कॉन्फ्रेंस एंड SDG, कॉन्फ्रेंस एंड SDG मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो किसने बनाए रखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है बेसिकली ये बनाए हैं आपके किसने, UN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ये 17 डिफरेंट गोल है जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं. इससे पहले गोल होते थे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, अब आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना. ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका फोकस है, इसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है और जो गोल नंबर 14 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 ये उसका भी एक आपका इस उसके अंडर में भी आता है. तो क्या कह रहा है, द कॉन्फ्रेंस वुड फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन SDG 14. SDG 14 सेज दैट कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन एंड इट्स रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसका उद्देश्य क्या है, ये कहता है कि सतत विकास के लिए महासागर और उनके संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना, मतलब अच्छे से उपयोग करना ना बहुत जरूरी है. अगर आप खराब तरीके से उपयोग करोगे सारे के सारे खराब हो जाएंगे. वो
सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, क्या इसका मतलब, इससे अच्छी चीज क्या हो जाएगी, मतलब ठीक है हमने कर दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे। सिग्निफिकेंस बता देता हूं दोस्तों, हेल्दी ओशियन कोस्ट एंड रिलेटेड इकोसिस्टम आर द क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन। बहुत सारे लोग भारत के अंदर या दुनिया भर के अंदर, बहुत सारे जो आपके अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग देश में से जो आपके नागरिक हैं, वो मुख्यतः किस पर डिपेंड करती है उनकी आजीविका, वो उनकी जीविका जो है, आजीविका जो है वो डिपेंड करती है कि हेल्दी ओशियन पे ऊपर कोस्ट की कंडीशन अच्छी हो, वहाँ इकोसिस्टम जो है वहाँ का वो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, फूड प्रोडक्शन के अंदर एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, पूरे दुनिया के अंदर मैं बात करूं तो बिलियंस ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड, स्पेशली जो पुअर लोग हैं वो इसके ऊपर क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट होते हैं, उनकी आजीविका, उनकी जॉब, उनकी हेल्थ, बहुत चीजें इन पर डिपेंड करती है। सो इसीलिए ओशियन का हेल्दी होना ना यार बहुत जरूरी है, और उन सब गरीबों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमें इन रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। और जो मीकोस 3 है, जो मैरीन टाइम इकोसिस्टम, जो ये हमने कॉन्फ्रेंस हम करा रहे हैं दोस्तों कोची के अंदर केरला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करने वाली है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, numerous issues such as depletion of the resources, marine population, extreme weather condition and rising sea surface temperature among the other pose a threat to the sustainable utilization of the marine resources। संसाधनों की कमी, बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों, जैसे संसाधन की कमी, समुद्री प्रदूषण, चरम मौसम की स्थिति और दूसरों के बीच बढ़ती समुद्री सतह के तापमान जैसे कई मुद्दे समुद्री संसाधन के स्थायी उपयोग के लिए बेसिकली आपका खतरा जो है वो पैदा कर रहे हैं। बात आ रही है आपको समझ में, बहुत सारे यहां पर खतरे जो है यहां से वो पैदा हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट मैं मूव करता हूं आपका यहां पे, देखिए नेक्स्ट। सो ये मराइन बायोलॉजिकल एसोसिएशन यही तो कंडक्ट करा रही है मीकोस 3 को, ये क्या है। सो अगर मैं बात करूं तो ये 1958 में एस्टैब्लिश की गई थी मराइन बायोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड मराइन साइंस इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर आपको मराइन साइंस को प्रमोट करना है। इट ऑल्सो एम्स टू क्रिएट एन एक्टिव इंटरेस्ट अमंग इट्स मेंबर इन द फील्ड ऑफ मराइन बायोलॉजी एंड अराइड मराइन साइंस। इसका उद्देश्य है कि समुद्री जीव विज्ञान और समग्र संबंध समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में अपने सदस्यों के बीच एक सक्रिय रुचि पैदा करना इसका एक उद्देश्य है। चलो खत्म होगी बात, अब बात करते हैं IMD की रिपोर्ट ऑन वार्मेस्ट ईयर। अभी अभी 2019 तो खत्म हुआ है ना, अभी जस्ट लेटेस्ट खत्म हुआ है अपना 2019। चलो 2019 खत्म हो गया तो क्या करें सर जी, 2019 हमने खत्म किया है तो बताना तो पड़ेगा ना कि 2019 जो है वो कैसा साल था, गर्म था, ठंडा था, किस टाइप का जो ईयर था वो था। IMD रिपोर्ट और वार्मेस्ट ईयर, ठीक है, सबसे गर्म साल जो है वो उसके ऊपर जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसकी रिपोर्ट आई थी। जल्दी से शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके साथ में ना पूरा टॉपिक जो है, पूरा मुद्दा ये मैं आपका डिस्कस कर चुका हूँ, समझ में आ रही है बात, पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। दैट्स वाई इसको ना मैं बहुत जल्दी और सिंपल शब्दों में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, सो IMD की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि 15,062 लोग जो है दे डाइड ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एवलेंचेस, फ्लड, हीट वेव्स। ये एक्सट्रीम इवेंट है, वेदर इवेंट का मतलब क्या, देखो एक्सट्रीम का मतलब है बहुत ज़्यादा हो जाए, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, बर्फ बहुत ज़्यादा गिर जाए, ठीक है, हीट वेव, गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चलने लगे, थंडर स्ट्रॉम बहुत ज़्यादा आ जाए, तो इनकी वजह से कुल मिला के अगर हम बात करें, कह रहे 2019 में लगभग 1,562 लोगों की मौत हो गई है, मर गए हैं। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, 2019 जो है ये सबसे गर्म तो नहीं है, सबसे गर्म जो है वो 2016 था, 1901 के बाद जो सबसे गर्म साल था वो 2016 था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दिए 2000 जो है आपका 19, दिस वाज द सेवेंथ वार्मेस्ट ईयर सिंस 1909।
ठीक है, बट हीटिंग काफ़ी थी यार, सातवां गर्म साल था ये आपका, लेकिन फिर भी हीटिंग जो है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा थी। और 2016 जो था वो दुनिया अभी तक का 1901 के बाद का सबसे गर्म साल जो है वो माना जाता है। अभी तक के पांच, अगर मैं गर्म सालों की जिक्र आपसे करूँ, डिस्कशन करूँ, तो कौन से पांच वार्मेस्ट ईयर जो है ऑन रिकॉर्ड, पहला है 2016, दूसरा है 2019, तीसरा है 2017, फोर्थ नंबर पर है 2016, फिर है 2015। आप देखोगे तो 2010 के बाद के ही है लगभग इसके अंदर, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। एवरेज टेम्परेचर और इंडिया ड्यूरिंग 2019 वाज अबव नॉर्मल। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो औसतन तापमान था ना 2019 के अंदर, वो एवरेज से ऊपर ही रहा है, ठीक है। इस साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनुअल मीन सरफेस एयर, जो हवा का तापमान होता है ना सरफेस का के ऊपर, एनुअल मीन सरफेस एयर टेम्परेचर जो है एवरेज ओवर द कंट्री वाज 0.36 डिग्री सेल्सियस अबव, 0.36 डिग्री सेल्सियस जो था वो क्या था इस बार, वो तापमान पिछली बार से क्या था, ज़्यादा था। हीट वेव ने भी बहुत तमाशा मचाया। देखो हीट वेव जो है मतलब जो सर्दियों में गर्मियों के अंदर जो जो आपकी तेज गर्म हवा चलती है उससे, सो हीट वेव कंडीशन जो है विच प्रिवेल्स ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड मार्च जून क्लेम्ड नियरली 350 लाइव्स, 350 लोगों की जान ली है हीट वेव ने मार्च और जून के बीच के अंदर। बात समझ में आ रही है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न और आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, ठीक है, बात समझ में आ गई। साइक्लोनिक स्ट्रॉम इन्होंने भी कुछ कम नहीं छोड़ा, इस बार तो 7 साइक्लोन आए हैं आपके कहाँ पर, अरेबियन सी में, अरब सागर में। जनरली इतने साइक्लोन नहीं आते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं, बट इस बार बंगाल की खाड़ी में तो कम थे और अरब सागर में 8 साइक्लोन इनफैक्ट हमने देखे, और इनमें से कई साइक्लोन तो बहुत बड़े अच्छे सीवियर लेवल के साइक्लोन जो थे वो थे, ठीक है। So this year saw the 8 cyclone storm formed over the Indian seas. Arabian Sea contributed 5 out of these 8 cyclone. 5 Arab Sagar mein bane the, kul 8 cyclone Indian Ocean mein aaye. Which equals to the previous record. 1902 mein bhi aisa hua tha, 1902 mein aisa hua tha, theek hai. Highest intensity ka cyclone jo tha wo aaya tha 1902 mein. Uske baad ab jo hai wo sabse खतरनाक साइक्लोन जो है वो हमने देखा है और महसूस उसको किया है। दिस ईयर ऑल्सो विटनेस्ड डेवलपमेंट ऑफ मोर इंटेंस साइक्लोन ओवर द अरेबियन सी। इस साल हमने देखा है कि जो अरब सागर है ना इसके ऊपर बहुत खतरनाक खतरनाक जो है अरब सागर में वो साइक्लोन हमें देखने को मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा रेन थी, हैवी रेन थी, और फ्लडिंग जो थी, फ्लड बाढ़ जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कई इलाकों में देखने को मिली है। कहाँ कहाँ पर, एनुअल रेनफॉल इन 2019 ओवर द कंट्री एज अ होल वॉज 0.109% ऑफ इट्स लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू फॉर द पीरियड। इतना हैवी रेन एंड फ्लड रिलेटेड इंसिडेंट रिपीडेडली क्लेम्ड ओवर 850, मतलब 850 लोग तो हैवी रेन से भी मरे इंडिया के अंदर, इन डिफरेंट ऑफ द कंट्री एंड द प्री मानसून, मानसून एंड द पोस्ट मानसून, तीनों सीजन के अंदर कुल मिला के 850 लोग जो है वो बारिश की वजह से, ज़्यादा वर्षा की वजह से मरे हैं। इनमें से अगर मैं 306 लोगों की बात करूं तो वो बिहार से, बिहार जो है ना इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 5 डिफरेंट रिवर, 5 अलग अलग नदियां जो है गंगा से जाकर मिलती है बिहार के अंदर या बिहार के आसपास, तो बिहार जो है वो नेचुरल फ्लडिंग जो है बिहार में बाढ़ आएगी ही आएगी। तो बिहार में बाढ़ की वजह से दोस्तों 306 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, 136 लोगों की महाराष्ट्र में, 107 की उत्तर प्रदेश में, 88 लोग केरला में, 80 राजस्थान में और 43 इन द कर्नाटक। बिहार वॉज द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड स्टेट ड्यूरिंग द ईयर विच रिपोर्टेड अबाउट 650 लाइव्स ड्यू टू द हैवी रेन एंड फ्लड हीट वेव। कुल मिला के अगर बात करो तो बिहार में सबसे ज़्यादा मानव जीवन का नुकसान वहाँ पर हुआ है, लगभग 650 लोग जो है वहाँ पर भगवान को प्यारे हो गए। लाइटनिंग की बात करूँ मैं, बिजली गिरना, थंडर स्टॉर्म एंड स्नोफॉल, इनकी वजह से बहुत दिक्कत हुई है। लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म जो है उन्होंने लगभग 350 लोगों को चटका दिया है, ठीक है, 350 लोगों को। इनमें से अगर बात करूं 125 लाइव जो है झारखंड से, 73 बिहार से, 51 महाराष्ट्र से, ये ऐसे तो ये रिकॉर्ड है दोस्तों, डेटा है जो बस आपको बताया गया है। स्नोफॉल एंड एवलेंच रिलेटेड इंसिडेंट क्लेम्ड 33 लाइव जम्मू कश्मीर। अब देख पाता हूँ ये काम का क्या, ये सारा डेटा क्या हमें याद रखना है, नहीं देखो जब भी आपसे पूछा जाए ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जब भी आपसे कुछ कहा जाए, कुछ लिखवाया जाए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपसे जब भी कुछ लिखवाया जाए, सो यू कैन कोट दीज थिंग्स। आप लिख सकते हो यार कि 2019 सातवां गर्म था, इससे पहले 2016 सबसे गर्म साल था, 2011 के बात करें तो कम से कम 3 से 4 साल है जो दुनिया के सबसे गर्म, अब तक के 1901 के बाद सबसे गर्म सालों के अंदर जो गिने जाते हैं, तो ये बहुत सारी बातें जो है ना आप कर सकते हो, ठीक है।
फ्लडिंग बहुत हुई है, हीट वेव्स की वजह से बहुत जाने गई हैं भारत के अंदर. किसने बोला है? हमने नहीं बोला, हमने तो आईएमडी की रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें ये सारी बातें बताई गई. तो यू कैन यूज दीज कोट्स, यू कैन यूज दीज डेटा फॉर योर आंसर राइटिंग, है ना. आप जब भी लिखोगे ना, आपसे पूछा जाएगा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट किस प्रकार से आपका किसी भी कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज दुनिया को प्रभावित कर रहा है, तब आप ये सारी की सारी चीजें क्या करोगे दोस्तों, वहां पर लिखोगे. ठीक है, क्योंकि जो भी आप लिखोगे ना, यू हैव यू मस्ट हैव डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, और डेटा आपको सब्सटेंशिएट करने के लिए चाहिए होगा. सो ये डेटा जो है वहां पर आपको लिखना है, वहां पर जाके आपको ऐड करना है. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. दिस इज अबाउट द चाइनीज पैडल फिश. इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको मंडे में इस पर क्वेश्चन भी आपको देने वाला हूं एमसीक्यू मॉर्निंग करंट अफेयर के शो के अंदर. चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों चाइनीज पैडल फिश के बारे में. चाइनीज पैडल फिश जो है ये क्या है? तो अभी ये चाइनीज पैडल फिश जो थी ना, ये बेचारी एक्सटिंक्ट हो गई है इस दुनिया में, अभी ये दूसरी देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, तो इस बात को कंफर्म कर दिया है. सो इसको चाइनीज पैडल फिश को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसीलिए न्यूज में थी, तो हमें पढ़ना है ना. चाइनीज पैडल फिश विच इज द नेटिव ऑफ यांतेज रिवर. नेटिव का मतलब है कहाँ की रहने वाली थी, तो ये रहने वाली कहाँ की थी? ये यांतेज नदी, ये आपकी चाइना में है, यहाँ रहती थी. हो गया काम इसका. ठीक है, अबाउट चाइनीज पैडल फिश थोड़ा जान लेते हैं, बेचारी नहीं रही इस दुनिया में, थोड़ा जान लेते हैं. चाइनीज पैडल फिश इज ऑल्सो नोन एज द चाइनीज स्नॉर्ड फिश. इसको चाइनीज स्नॉर्ड फिश भी बोलते थे. चीनी पैडल फिश को चीनी तलवार के रूप में भी जाना जाता था. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इट इज ऑल्सो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज. दुनिया की अगर हम बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली प्रजातियों में से एक थी, सबसे बड़ी मछलियों की प्रजातियों में से एक थी. इट एनी इनहेबिट द यांतेज रिवर बेसिन विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट चाइनीज पैडल फिश. मे ग्रो अप टू 3 meters इन लेंथ एंड वेट 300 kilometers. ठीक है, हाँ देखो इनको खाने की सूझी हुई है, कह रहे सर खा लेते हैं, इतनी बड़ी मछली है तो मजा आ जाएगा. ठीक है, पागल हो रखे हो गया यार, कैसी कैसी बातें कर देते हो यार. ये बची ही नहीं बेचारी खाने के चक्कर में, ही तो लॉस हो गया इसका, ये है ही नहीं अब इस दुनिया में, कहां से खाओगे इसको. सो ये बोला गया तो यांतेज नदी में थी आपका ये, विच इज द लार्जेस्ट चाइनीज पैडल फिश, सबसे बड़ी थी एंड ये लगभग 3 meters लंबी हो जाती थी, और इसका वेट जो है वो 300 kilograms के है ना. पूरा परिवार खा लेगा 3-4 days आपका, लेकिन है तो नहीं, मिलेगी तो नहीं आपको ये. सो दिस इज अबाउट द चाइनीज पैडल फिश. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है इसके बारे में बताया क्या गया. देखो, इट हैज बीन लिस्टेड ऑन द IUCN रेड लिस्ट एज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ये अभी नहीं, IUCN जो है उसने 1996 में बता दिया था कि भाई इसके लिए कुछ कर लो, ये तो एंडेंजर्ड हो चुकी है, मतलब लुप्त होने वाली है प्रजाति. However, scientists have now declared it as an extinct species. अब इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये तो भाई गई इस दुनिया से. चाइनीज पैडल फिश अमंग द अमेरिकन पैडल फिश वल्नरेबल वर द ओनली 2 एक्सटेंट मेंबर ऑफ रेलिक लीनेज दैट वर द मोस्ट डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड 34 to 75 million ईयर एगो. अमरीकी पैडल फिश के साथ साथ जो चीनी पैडल फिश है, ये 34 to 75 million वर्ष पहले एक विविध वंशाली के केवल 2 अतिरिक्त सदस्य थे. मतलब ये 2 ही बचे हैं. एक अमेरिकन पैडल फिश तो खैर अभी बची हुई है, ये अमेरिका में पाई जाती है, बाकी ये चाइनीज पैडल फिश ये गई बेचारी, है ना. और ये 34 to 75 million साल से चले आ रहे हैं बेचारे, 2 ही थे, अब ये भी गए. द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द चाइनीज पैडल फिश एक्सटिंक्शन, क्या है, क्या चीज़ों से ये आपका बेसिकली एक्सटिंक्ट हुई है. तो पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम. याद रखना यार, किसी भी अगर नदी के अंदर कोई स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होता है तो उसमें एक रीजन तो डैम का कंस्ट्रक्शन होता ही होता है. पहली बात, ओवर फिशिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आपने मछलियाँ पकड़ ली हो. ये भाई साहब जो कह रहे थे ना पीछे, मैं नाम नहीं पढ़ पाया इनका, जो कह रहे थे सर बहुत बड़ी है, बहुत मोटी है, पकड़ के खा लेंगे कई दिन काम चलेगा, ऐसे लोगों ने बहुत पकड़ ली मछलियों को, बहुत खाया बेचारियों को, तो दिक्कत होगी. हैबिटेट लॉस, मतलब जहाँ ये रहती थी वो जगह ही खराब होती जा रही है. और पॉल्यूशन तो आप जानते हो नदियों में यार, जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है वो कितना बढ़ रहा है आप पूछ नहीं सकते. जो विची साहब हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है यहाँ पर फैलाते हैं, नदियों के अंदर जाके कुछ डाल देते हैं, तो दिक्कत.
अगला सवाल देखो, अगली न्यूज आपके सामने ये रही, सवाल नहीं है दोस्तों, ये कोई केबीसी नहीं खेल रहे हम, लेकिन बस मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, सो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो ये रहा दोस्तों, दिस इज हरगिला, है ना, ये है। तो अभी अभी ना अगर हम बात करें असम के एक स्टेट जू के अंदर, इसके दो अंडे थे, बहुत पुराने टाइम से पड़े थे, और ये बेचारे इस अंडे के ऊपर बैठते भी थे बट हैचिंग हो नहीं रही थी, मतलब उसमें से चूजा बाहर नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, स्टेट जू और बोटैनिकल गार्डन जो है, और एक ये एक एनजीओ है आरा नायक, इन्होंने मिल के ना इसकी हैचिंग कराई है। असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पतिक उद्यान और आरनक कहने संयुक्त रूप से चिड़ियाघर के बाड़े के भीतर एक कृत्रिम मंच में ग्रेटर एडजुडेट चूजों की एक जोड़ी को सफलतापूर्वक स्थापित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बताया मैंने, वही काम हुआ है, ठीक है। देखो रहे नीचे छोटे छोटे दो है, इनसे हो ही नहीं रहा था बिचारों से, फिर इन्होंने कृत्रिम तरीकों से इन अंडों में से इन बच्चों को बाहर निकाला। इट इज फाउंड अ फ्यू आइसोलेटेड पॉकेट इन असम, कहाँ कहाँ पाया जाता है पूछे तो कहीं कहीं असम के अंदर, बिहार के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पर ये पाए जाते थे, कंबोडिया में पाए जाते हैं। इनका स्टेटस कैसा है दोस्तों, एंडेंजर्ड, मतलब ये भी खतरे में आ रहे हैं, ठीक है, लुप्त प्राय है, IUCN ने इनकी स्थिति लुप्त प्राय बताई हुई है कि लुप्त हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं ये। इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल्ड 4 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, शेड्यूल नंबर 4 के अंदर इनको रजिस्टर्ड किया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 के अंदर इनको सूचीबद्ध किया गया है। ये थी कुछ एनवायरमेंट की न्यूज। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा इकोनॉमिक के पार्ट पर। देखो ये वो टॉपिक है यार, जो छोटे छोटे टॉपिक थे, मान के चलो हम जैसे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर तो द हिंदू ही आ पाता है ना, तो मॉर्निंग में मैं द हिंदू कवर करता हूँ, लेकिन कई ऐसे अदर न्यूज़पेपर्स होते हैं जो हिंदू में न्यूज़ नहीं होती और अदर न्यूज़पेपर में आ जाती है, तो वो छूट जाती है किसी न किसी कारण से, समय का अभाव लगा लो, कुछ भी है, तो छूट जाती है कुछ न्यूज़, तो वो न्यूज़ वो मैं सारी आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखो भारत के अंदर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है, हम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी जो है उनको अपनाते हैं यहाँ पर, एक उनमें से है उसका नाम है ओल्प, एक होती है हेल्प, एक होती थी नेल्प, ऐसे बहुत सारी थी। तो अभी लेटेस्ट जो है ना, पहले आती थी नेल्प, NELP, ठीक है, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी उसका नाम था, NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, फिर आई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन HELP लाइसेंसिंग पॉलिसी, और अब आ रही है क्या OALP, ये किस लिए किया जाता है, हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा क्या है मुद्दा, आप समझ जाओगे। अभी OALP की मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल और नेचुरल गैस ने ना 7 ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अवार्ड किए हैं, मतलब उन पर हस्ताक्षर हुए हैं अनुबंधन पर, और वो किसके लिए हैं, अंडर ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम बिड राउंड नंबर 4। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 ब्लॉक के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, किसमें ओपन एकरेजिंग लाइसेंसिंग प्रोग्राम बिड राउंड 4 के तहत ये काम किया गया है। अभी है क्या सर ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम है क्या, ये लॉन्च किया गया था 2016 में, इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, हेल्प का एक ये पार्ट है, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ हेल्प, ये जो हमने हेल्प पढ़ा ना इसी का एक क्या है दोस्तों पार्ट है। इट इज एम्ड एट एनेबलिंग फास्टर सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ द एरिया विद ऑयल एंड गैस पोटेंशियल, उद्देश्य क्या है, भारत के किसी इलाके में आपको लग रहा है ना KG बेसिन, जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर हमें ये अनुमान है कि वहाँ गैस और तेल, कच्चा तेल जो है पाया जाता है, ठीक है, अब उसकी खोज करनी पड़ेगी, खोज करके उसको निकालना पड़ेगा, तो या तो सरकार करे काम या कौन करे भाई, प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बोलती है भाई तुम निकाल लो तेल, तुम निकाल लो गैस, तुम निकाल लो, और बाद में हम एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि कुछ हिस्सा तुम रखना उसका और कुछ हिस्सा सरकार को दे देना, ये काम जो है उनको बोला गया है, ठीक है। सो इसी की बात करें, इसका उद्देश्य तेल और गैस क्षमता वाले क्षेत्रों का तेजी से सर्वेक्षण और मूल्यांकन सक्षम करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, इट एनेबल्स कंपनीज अप्लाई फॉर पर्टिकुलर एरिया दे डीम टू बी अट्रैक्टिव टू इन्वेस्ट इन एंड देन सेंटर देन पुट्स दीज दोज एरिया अप फॉर बिड। अब इसके अंदर क्या होना, इस लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं कि सरकार पहले से ही ब्लॉक अनाउंस कर देगी, ना 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 ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों,
यहाँ पर आप अपनी मर्जी से खुद क्या करोगे, जो आपको पसंद आ रखा है ना कि हाँ भाई प्राइवेट कंपनी को जहाँ लगे ना कि यहाँ अच्छे मात्रा में तेल और आपके जो नेचुरल जो गैस वैस है वो मिल सकती है, प्राइवेट प्लेयर खुद बोल सकता है सरकार को जाके मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, सरकार उसको उसका लाइसेंस और मंजूरी प्रदान कर देगी। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या है, दोस्तों सिंगल लाइसेंस, पुराने टाइम पे क्या होता ना हाइड्रोकार्बन तेल निकालना है तो अलग, गैस निकालनी है तो अलग, कोल बेड मीथेन निकालनी है तो अलग, कुछ और है तो अलग, हर मिनरल के लिए पहले अलग अलग लाइसेंस होता था, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल लाइसेंस है, कन्वेंशनल हो चाहे अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, पारंपरिक और अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन दोनों के लिए एक का लाइसेंस सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध है। ट्रांजिशन फ्रॉम कॉस्ट रिकवरी मैकेनिज्म टू द रिवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, अब जो है सरकार कहती है कि ठीक है हम रेवेन्यू शेयर करेंगे, आप इतना हिस्सा कमाओगे ना इससे जो आपका रेवेन्यू होगा हम वो शेयर करेंगे, है ना, राजस्व वसूली नहीं होगी। पहले सरकार क्या करती थी, राजस्व वसूली तंत्र के लिए लागत वसूली तंत्र से संक्रमण, फुल मार्केट एंड प्राइजिंग फ्रीडम, जो यहाँ से तेल निकालेंगे जो यहाँ से गैस निकालेंगे उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, वो अपने आप से जो निकाला गया पदार्थ है उसका मार्केटिंग कर सकते हैं और उसका प्राइस फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लो रेगुलेटरी बर्डन, इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नियम का दबाव, बहुत ज़्यादा नियम बना के इनको बर्डन में नहीं डाला जाएगा, लो रेगुलेटरी बर्डन रहेगा और इनको बहुत सारे फिस्कल इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, फिस्कल इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर, निवेशकों को राजकोषीय प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है दोस्तों ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, आपने तो सुनी लिया होगा नरेंद्र मोदी साहब ने क्या बोल दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया है कि भाई अब जो है भारत को मैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना के छोड़ूंगा 2024-2025 तक, कितने ट्रिलियन की, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना के छोड़ूंगा। अब इसी के चक्कर में यार क्या करना, अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है ना तो फिर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब इसी बात पे मौके पे चौका मारा है किसने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने 102 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अनाउंस कर दिया है। क्या कर दिया है, 102 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, ढांचे को, जो आपका बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किया जाएगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कंटेक्स्ट यही है न्यूज़ का कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी अभी 102 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो अनाउंस की है, इन लाइन विद द नरेंद्र मोदी विजन टू मेक द इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी बाय 2024 एंड 2025। अब ऐसा नहीं है ये काम जो है दोस्तों अभी से किया गया है, ये काम जो है दोस्तों बहुत पहले से किया गया है, ठीक है, ये काम जो है कब से किया गया है, ये पुराने टाइम पे एक सस्ते टाइम पे कमेटी बनी थी इसके, और उस कमेटी की सिफारिश जो थी उनको ये बोला गया था एक रोड मैप तैयार करो, पूरा काम पहले से ही चल रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में पढ़ूँ मैं, सो द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड सेट अप अ टास्क फोर्स हेडेड बाय द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, एक टास्क फोर्स पहले से ही बना दिए किसके अंडर में, हेडेड बाय द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी टू प्रिपेयर आर रोड मैप फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, फ्रॉम 2019 से 2020 टू 2024 से 2025 अंडर दी 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। वित्त मंत्रालय ने 100 लाख करोड़ के इन्फ्रा प्लान के तहत 2019-2020 से 24-25 तक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन का रोडमैप तैयार करने के लिए आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स जो है उसका गठन किया था, पुराने टाइम पे मंदे टाइम पे कर दिया था, इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि ऐसा कोई काम जो है अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो टास्क फोर्स है हैज़ बीन चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस, ये जो हमें टास्क फोर्स बनाई ना इसका चेयरमैन कौन है, इसका चेयरमैन है आपका बेसिकली टास्क फोर्स की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव के द्वारा बेसिकली यहां पर की गई है। सो टास्क फोर्स हैज़ बीन चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द फाइनेंस, इसके अंडर में टास्क फोर्स की इस अध्यक्षता के अंदर में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के द्वारा ये काम जो है वो किया गया है, ठीक है। द टास्क फोर्स हैज़ प्रिपेयर्ड अ रोड मैप एज इट इज द एस्टिमेटेड दैट इंडिया वुड नीड टू स्पेंड 4.5 ट्रिलियन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030 टू सस्टेन इट्स ग्रोथ रेट, टास्क फोर्स ने तो बताया भी था
कि भारत को अगर 2030 तक अपनी ग्रोथ, अपने विकास दर को बनाए रखना है ना, तो अपने बुनियादी ढांचे पर लगभग $4.5 trillion जो है वो खर्च करना पड़ेगा, तब जाके भारत जो है 2024-25 तक कितने उसकी कितनी इकॉनमी बनेगा, आपका 5 trillion की इकॉनमी बनेगा। अभी यहाँ पर सिंगापुर के मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने भी बोला था कि भारत को अगर 5 trillion की अगर इकॉनमी बनना है तो उसके लिए 70 million जॉब, 70 million जॉब जो है, यानी कि 700 लाख जॉब जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। उसमें से कब तक क्रिएट करनी पड़ेगी पता है आपका, ये बोला था 2023 तक 25 तक क्रिएट करनी पड़ेगी ये काम, ठीक है, ये बात बोली गई थी। चलो डिटेल में बात कर लेते हैं। अब डिटेल में बताएं किसको क्या क्या कितना कितना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है। सेक्टर वाइज बात कर लूँ तो इरीगेशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई कृषि और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वुड अकाउंट फॉर 7.5 lakh crore ईच, इनको 7.5 lakh 7.5 lakh crore मिले हैं। सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रत्येक के लिए लगभग 7.5 lakh crore जो है वो अलग से रखा गया है। 3.07 lakh crore वुड बी स्पेंट ऑन द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना औद्योगिक अवसंरचना पर इतना खर्च किया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वुड अकाउंट फॉर द रेस्ट, बाकी का खेती और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जाएगा। रोड प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर 19.63 lakh crore, बाकी जो है 13.68 lakh crore जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। पोर्ट प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर भी 1 lakh crore की स्पेंडिंग देखने को मिलेगी, एयरपोर्ट पर भी लगभग 1.43 lakh crore की। 16.19 lakh crore जो है वुड बी स्पेंट ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 3.2 lakh crore ऑन द टेलीकॉम प्रोजेक्ट। देख रहे हो करोड़ों में खर्चा हो रहा है, लाख करोड़ में खर्चा हो रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्यों कर रहे हैं हम दोस्तों, भारत को हमें 2024-25 तक 5 trillion इकॉनमी बनाना है। अगर ये करना है दोस्तों तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। देखो देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक चीज़ होती है दोस्तों, बहुत बेसिक। सो अगर भारत देश का आपको विकास करना है तो उसके बुनियादी ढांचे को करना पड़ेगा स्ट्रांग, और बुनियादी ढांचे को स्ट्रांग करने के लिए आपको करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट। तो प्रधानमंत्री का विजन है भाई कि हमें इतना जो है अपने देश को 5 trillion की इकॉनमी बनाना है। अब इतनी ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है तो ऑब्वियस बात है ना, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ना, तो उसी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में निर्मला सीतारमन ने कुल मिलाकर आपका यहाँ पर 100 अगर मैं बात करूँ तो 102 lakh crore का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये अनाउंस किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद कुछ और भी बातें इसमें बताई गई हैं चटपटी। अंडर दिस प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं तो एनर्जी सेक्टर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा शेयर जाता है, 24% उसी को जाता है। उसके बाद रोड 19%, अर्बन डेवलपमेंट 16%, रेलवे 13%। शेयर ऑफ रूरल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है विल बोथ इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन ड्रिंकिंग वाटर इज 8% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, है ना। परियोजना के तहत ऊर्जा क्षेत्र को 24%, उसके बाद सड़क को 19, शहरी विकास को 16, रेलवे को 13, है ना, ग्रामीण और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के शेयर में क्रमशः स्वास्थ्य शिक्षा और पीने के पानी को 8% और 3% ये शामिल किया। फंडिंग पैसा कहाँ से आएगा, माल 102 crore ही आएगा कहाँ से। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों कुल मिला के 39%, यानी कि 39 + 39 कितना हो गया, 9 × 18 = 6 और 78 crore जो है 78% पैसा आधा आधा करके कौन देगी, भारत सरकार, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल होगी। बाकी जो पैसा है कितना बच गया, 22%। द प्राइवेट सेक्टर ऑन द अदर हैंड वुड हैव 22% शेयर विच हैज द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू इंक्रीज बाय द 30% बाय 2025। ये माना जा रहा है कि ठीक है 78% तो सरकार लेके आएगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें शामिल होगी, बाकी बचा जो 22% वो कौन देगा, प्राइवेट सेक्टर। जो उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक उसको बढ़ा के 30% जो है वो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो ये आपके लिए मैंने एक प्रोफाइल रख दी है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, सो एक बार देख सकते हो अलग अलग सेक्टर की इसमें बात की गई है। एजुकेशन में क्या करना है, हेल्थ में क्या करना है, वाटर में क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन है हमें 2025 तक का, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने रख दिया है, तो एक बार इसको चेक करना जब आपको पीडीएफ मिले, ठीक है। चलिए अब बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, यार ये डिस्कस तो किया था अभी अभी 9 जनवरी को वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, रिलीज कर दी थी ना, इसमें ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बताया गया था कि दुनिया की जो इकोनॉमी है ना उसमें मंदी का माहौल है, यार मंदी छाई हुई है। 2020 में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सिर्फ 2.5% ही ग्रो करेगी,
अप फ्रॉम 2.4% लास्ट ईयर द बैंक इकोनॉमिक स्प्रिट. क्या बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक इकोनॉमी इज लाइकली टू एक्सपेंड बाई 2.5% इन 2020 अप फ्रॉम 2.4% लास्ट ईयर. पिछले साल कितना था? विश्व अर्थव्यवस्था का विस्तार 2020 में 2.5 बढ़ने की संभावना है. पिछले साल 2.4 से बैंक के अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की. पिछली बार इतना था, इस बार इतना बढ़ने की उम्मीद तो खैर बता रहे हैं, है ना. ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन लॉन्च करता है, याद रखना. वर्ल्ड बैंक ने क्या लॉन्च किया? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. कुल मिला के मोटी बात यह है, इसने बताई है कि पूरी दुनिया में मंदी रहने वाली है. दिस इज द स्लोएस्ट ग्रोथ फोरकास्ट सिंस 3.1% ट्रेड रेट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल. 2008 और 2009 के अंदर पहली बार जो वर्ल्ड इकोनॉमी का फोरकास्ट था वो 3.1% किया गया था. उससे घटिया फोरकास्ट ये अब किया गया दूसरी बार ये, और ये तो दूसरी बार जो किया ही नहीं, उससे भी घटिया. मतलब उस टाइम पे तो 3.1 तो किया था और पूरे देश में उस टाइम पे पूरी दुनिया में स्लो डाउन था, आर्थिक मंदी थी, लेकिन इसमें तो उससे भी गया गुजरा काम कर दिया. कितना? 3.1%, है ना. इस बार जो है 2.5% किया. इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो भारत की भी कोई स्थिति अच्छी नहीं बताई. अभी अभी CSO अगला ही है अपने, CSO भाई साहब जो है, CSO ने भारत की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी पहले 6 कह रहा था, अब रिड्यूस करके 5 कर दी. RBI ने भी कुछ ऐसा किया, 6 थी, RBI भी कह रहा है ना भाई मजे नहीं आएगा, 5 तक हो जाए तो ही बहुत है. भारत की जो पिछले क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो 4 कुछ थी, जो 26 क्वार्टर में सबसे कम थी. मतलब हालत तो खराब चल रही है, पूरी दुनिया में हालत खराब चल रही है. सो द वर्ल्ड बैंक ऑन द वेडनेसडे कट इंडियाज ग्रोथ रेट. इन्होंने भी कट करके 5% कर दिया. मल्टीलेटरल लेंडर एक्सपेक्ट दैट अ कंट्री ग्रोथ टू रिकवर ओनली स्लाइटली टू 5. और कह रहा है पता है ये इस साल तो इतनी रहेगी 5% और अगले साल भी घनी कुछ ज़्यादा इसके अंदर वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी. अभी 5 है तो नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 5.8 इन द नेक्स्ट फिस्कल. इट इज एक्सपेक्टेड दैट क्रेडिट फ्रॉम द नॉन बैंकिंग कंपनीज टू बी एक्सपेक्टेड टू द वीकन. और इसकी जो जड़ है ना, मैंने बता रखा इंडिया में जो मंदी आई है वो किसकी? फाइनेंशियल सेक्टर उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक और नॉन बैंकिंग संस्थान जो है, सरकार बैंकिंग और गैर बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है उनका यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ रहा है इस मंदी के अंदर. अदर हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो क्या है, इट एस्टिमेटेड ग्रोथ टू राइज 5.5% फॉर द साउथ एशियन रीजन. कह रहा है साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है इसमें तो ग्रोथ के चांस देखने को मिल रहे हैं. कितने ग्रोथ के चांस है यहाँ पर? आपका 5.5%, मतलब देखने को मिल रहा है ना. ऐसी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग बातें यहाँ बोली गई है. द रिपोर्ट ऑल्सो साइट्स इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान. यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो एक पॉजिटिव माहौल जो है, स्थिति जो है अच्छी टाइप की वो बनी हुई है. दुनिया में अगर मैं US की और आपका EU की बात करूँ, इनमें भी मामला खराब है. यूरोपियन यूनियन के अंदर में और US की ग्रोथ रेट आप देख सकते हो 1.8 एंड यूरोपियन यूनियन इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय द 1%, सिर्फ इतनी. बहुत घटिया हालत हो रखी है. फोरकास्ट बांग्लादेश ग्रोथ टू इज 7.2% फॉर द फिस्कल ईयर एंडिंग जून 30 ऑफ द जनवरी. पाकिस्तान एंड श्रीलंका ग्रोथ रेट आर एक्सपेक्टेड टू बी राइज 3%. पाकिस्तान का क्या करेंगे याद रख के. बट ये देख लो US का भी बुरा हाल है. यूरोपियन यूनियन जो एक मेजर इकोनॉमिक ब्लॉक है उसमें भी 1% की ग्रोथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. अब इसी ग्रोथ रेट की बात चल रही थी तो ये NSO का, CSO का भी, NSO का डेटा भी रख देते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस. ऑल इंडिया रेडियो में बताया इसने कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने भी अपनी जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है ना वो दे दिया. आपका क्या दे दिया इसने? फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जो है वो दे दिया. और इस एडवांस एस्टीमेट में इन्होंने भी बता दिया कि भारत की ग्रोथ रेट जो है ना वो 5% रहेगी भाई, कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है. सो द इंडियन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो 5% इन 2019-20. पहले बोल रहे थे कम से कम 6.8% ग्रो करेगी. कुछ नहीं, बकवास की बात है, कुछ ग्रो नहीं करेगी. कितना ग्रो करेगी? सिर्फ 6.8%, ठीक है, सॉरी 5%. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस टूडे, द डिक्लाइन हैज बीन मेनली ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग. क्यों कमी हुई है पता है? ये ग्रोथ रेट हम इतनी नीचे क्यों दिखा रहे हैं, उसका कारण क्या बताया जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बहुत कम चल रही है, विच इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू 2% इन 2019-20. आगे और भी कम होने वाली है फ्रॉम 6.2% इन द ईयर एगो फिस्कल. पिछले साल ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ थी वो थी 6.2% और अब की बार कितनी है? 2%. बैंकिंग जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें भी हमें जो ग्रोथ रेट है वो देखने को नहीं मिल रही, नेगेटिव ग्रोथ रेट वहाँ मिल रही है.
आपका ये सेकंड है, इट वाज आल्सो विटनेस्ड इन द सेक्टर लाइक मतलब एग्रीकल्चर में भी मंदी देख रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन में भी देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब कोर एरिया जो है सारा का सारा खराब हुआ पड़ा है। कुछ क्षेत्र है जहाँ इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रही है आपको, जैसे माइनिंग में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस के अंदर, यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट दिखी है, बट इनसे क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, इनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये हिंदी वर्जन है, आप हिंदी हिंदी ना करो, इसीलिए मैंने देखो यहाँ हिंदी में भी रख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है भारत की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। कितनी परसेंट की ग्रोथ होगी? 5%। किसने बोला है? NSO ने, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बात बोली है। अगला जो है दोस्तों हमारे पास वो क्या है दोस्तों, दिस इज ईपीफेनी त्योहार। ये क्या है बता दूं? ठीक है, एक बार पानी पी लेता हूँ यार, लगातार क्लास के चलते एकदम गले ने जवाब दे दिया है मेरे ने भाई। हे भगवान, हे भगवान, उठा ले रे देवा मेरे को। नहीं चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, दिस इज ईपीफेनी फेस्टिवल। ईपीफेनी फेस्टिवल जो है ये क्या है? तो जो ईपीफेनी फेस्टिवल है दोस्तों ये क्या है, ये सेलिब्रेट किया जाता है भारत के बहुत सारे पार्ट में, जैसे गोवा में, केरल के अंदर, ये इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा डिटेल में चलूंगा, इतने में नहीं बताऊंगा, डिटेल के अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा। डिटेल में क्या है दोस्तों, इन गोवा सेलिब्रेशन को और भी कई नामों से जाना जाता है। सर थोड़ा सा पानी मंगवा देना प्लीज। गोवा में इस उत्सव को पुर्तगीज नाम फेस्टा डॉस रीस, क्या नाम? फेस्टा डॉस रीस के नाम से भी जाना जाता है। केरल के कुछ हिस्सों में इसे सीरियाक नाम देना, सीरियाक नाम है देना के नाम से जाना, मतलब ये दो नाम है इसके, किसके, जो आपके एपिफेनी फेस्टिवल है ना, इसके दो अलग अलग नाम है। पहला फेस्टा डोरियास, इसको पुर्तगीज नाम है, और दूसरा सीरियाक नेम, इसको क्या, देना, दो नामों से इनको जाना जाता है। तो जो हम ईपीफेनी जो है इज अमंग्स द थ्री ओल्डेस्ट मेजर फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन जो होते हैं ना उनके तीन जो ओल्डेस्ट फेस्टिवल है, पुराने त्यौहार है ना, उनमें से एक है, पहला क्रिसमस, एक है एस्टर, और तीसरा क्या है आपका, दैट इज ईपीफेनी। तीन त्यौहारों में से क्या है दोस्तों, ये एक है। यहाँ पर मैं बात करूँ आपका तो क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 6, 6 जनवरी को ये मनाया जाता है बाय अ नंबर ऑफ क्रिश्चियन सेक्ट इंक्लूडिंग रोमन कैथोलिक एंड ऑन जनवरी 19 बाय सम ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस। ये 6 जनवरी को रोमन कैथोलिक सहित कई ईसाई संप्रदाय द्वारा 9 जनवरी को कुछ पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों के द्वारा मनाया जाता है, सॉरी 19 ही है वहां पर मनाया जाता है। इन द वेस्ट, अगर पश्चिम में बात करोगे, ड्यूरेशन बिटवीन दिसंबर 25 एंड जनवरी 6 इज ऑल्सो नोन एज 12 डे ऑफ क्रिसमस। 12 दिन हम इसको क्रिसमस, पश्चिम में 25 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच की अवधि को क्रिसमस के 12 दिनों के रूप में भी जाना यहाँ पर जाता है। एपिफेनी जो है इज अ फीस्ट डे और अ डे ऑफ कोमेमोरेशन विच इज इन क्रिश्चियनिटी मार्क्स द विजिट ऑफ मैगी। ये तो खाने वाली मैगी तो नहीं है, नहीं यार वो नहीं है, मैगी का मतलब है मीनिंग द थ्री वाइज मैन और थ्री किंग, ठीक है। तो एपिफेनी द्वारा दावत, एक दावत का दिन है या स्मरणोत्सव का दिन माना जाता है जो ईसाई धर्म में मागी अर्थात तीन समझदार पुरुष या तीन राजाओं की यात्रा को शिशु यीशु जो क्रिश्चियस जो हमारे गॉड माने जाते हैं 12 वर्ष की आयु तक उनकी नग्रता से मसीहा के रूप में चिन्हित किया जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में, इज अ फीस्ट डे ऑन द डे कॉमेमोरेशन विच इज द क्रिश्चियनिटी मार्क्स द विजिट ऑफ द मैगी, ठीक है, यानी कि मीनिंग ऑफ द थ्री वाइज मैन एंड थ्री किंग टू द इन्फेंट जीसस क्राइस्ट फ्रॉम हिज नेटिविटी अंटिल द एज ऑफ 12। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैगी में कुछ और ही बताया, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन बिलीफ द मैगी, मतलब ये तीन जो ज्ञानी लोग थे, क्या नाम था इनका, इनका तीन नामों का इनका नाम था, पहला था बाल्सर, फिर है आपका मेलकोयर, और तीसरा क्या है गैस्पर, ठीक है, और जिसको हम कैस्पर भी कहते हैं यहाँ पर है। क्रमशः अरब, फारस और भारत के राजाओं ने ये थे आपका कैस्पर द किंग ऑफ अरेबिया। एक तो जो थे ये थे आपके अरेबिया के किंग थे, अरब जो हम मानते हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये कहाँ के थे, पारस के थे, जो आपके पारसी थे, और गैस्पर जो ये भारत के अंदर रेस्पेक्टिवली माना जाता। फॉलोडिड ए मिराकुलस गाइडिंग स्टार टू बेथलम वेयर दे पेड होमेज टू द इन्फेंट जीसस, ठीक है। द डे ऑल्सो कोमेमोरेट्स द बैप्टिज्म ऑफ जीसस इन द जॉर्डन रिवर। ये दिन जॉर्डन नदी में यीशु के बपतिस्मा को भी याद करता है। देखो दोस्तों यार, इसके बारे में मुझे बहुत कम पता है,
इसीलिए ये आप ऐसा देख रहे हो। पता कम क्यों है मुझे इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा मैं इसके बारे में मेरे को यार नॉलेज है नहीं। नॉलेज क्यों नहीं है, बिकॉज आप अलग अलग धर्म की चीज़ें हैं, शायद मुझे इसके बारे में नहीं पता। सो मैं क्षमा चाहता हूँ यार अगर कोई भी बात मेरे से ऐसे मैं सही नहीं बता पाया आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपकी नेक्स्ट न्यूज है, दिस इज अबाउट द गोको मॉडल। गोको मॉडल क्या है, इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन भी यहां पर आज देखोगे आप, व्हाट इज अ गोको मॉडल। आर्मी गेट्स वर्किंग ऑन द गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। अगर हम बात करते हैं तो सेना को दक्षता में सुधार के लिए सरकारी स्वामित्व वाले ठेकेदार संचालित मॉडल पर काम करने को कहा गया है। मतलब इनको मंजूरी मिल गई आर्मी को कि वो गोको मॉडल पे काम कर सकते हैं। गोको मॉडल क्या है, गवर्नमेंट ओन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटिव, मतलब सरकार के अंडर में, मतलब ओनर सरकार रहेगी लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर उसको क्या करेगा, उस मॉडल को इंप्लीमेंट करेगा। इससे क्या होगा, देखो प्राइवेट पार्टी अगर कोई भी काम करती है ना, तो जाहिर सी बात है उनकी एफिशिएंसी उस प्रोजेक्ट की क्या हो जाती है भैया दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अबाउट गोको मॉडल वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखातर, रिटायर्ड हो चुके हैं, कमेटी, इनकी कमेटी थी, इन्होंने इसको गोको मॉडल के बारे में बोला था, टू एनहांस द कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंसिंग द डिफेंस एक्सपेंडिचर। गोको मॉडल लड़ाकू क्षमता और रक्षा खर्च को फिर से संतुलित करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेख टकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपका समिति की सिफारिश के में पहली बार इसका नाम लिया गया था गोको मॉडल का, है ना, अभी बाद में समझेंगे। गोको मॉडल जो है इसके अंदर क्या दी असेट जो है ना, मैंने बताया था ना जो मुख्य असेट है ना, वो तो ओन किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, बट ऑपरेट कौन करेगा, प्राइवेट इंडस्ट्री। अब प्राइवेट ऑपरेट करता है ना दोस्तों, तो उससे क्या होती है दोस्तों, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अंडर गोको मॉडल द प्राइवेट कंपनी नीड नॉट मेक इन्वेस्टमेंट ऑन द लैंड मशीनरी एंड अदर सपोर्ट सिस्टम। भाई इस मॉडल के तहत ना जो प्राइवेट आदमी है ना, उसको ना तो लैंड जमीन खरीदनी, ना उसको कोई मशीन खरीदनी, ना किसी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम खरीदना, ये सारा का सारा सरकार जो है उनको मुहैया कराती है। द मिशन आर सेट बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर आर गिवन फुल इंडिपेंडेंस इन इंप्लीमेंटिंग द मिशन यूजिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, गवर्नमेंट मिशन सेट करती है और प्राइवेट सेक्टर को फुल इंडिपेंडेंस देती है कि तुम अपनी मर्जी से इस काम को इंप्लीमेंट करो। मेन एडवांटेज इस मॉडल की क्या होती है, टारगेट अचीव्ड इन द लेसर टाइम फ्रेम। सरकारी काम तो यार ऐसे ही लटका रहता है ना, इसीलिए प्राइवेट को लेके आया ताकि वो काम जो है वो जल्दी से जल्दी किया जा सके। इट विल बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, और देखो अलग अलग प्राइवेट कंपनियां हैं, मतलब अलग अलग ठेकेदार आएंगे या कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, तो एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। वो बोलेगा मैं 10 रुपये में करूँगा, मैं बोलूँगा मैं 8 रुपये में कर दूंगा इसको, तो कॉम्पिटिटिवनेस भी क्या होती है, बढ़ती है। एलिजिबिलिटी देखो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। सो द सर्विस प्रोवाइडर शुड बी अ इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी विद एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिलेटेड डोमेन एंड हैव एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ फॉर ईच ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। भाई सेवा प्रदाता एक भारतीय पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए जिसके पास संबंधित डोमेन में कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव और पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक के लिए औसत वार्षिक कारोबार लगभग 50 करोड़ का हो, तभी मिलेगा। और उद्देश्य क्या है यार, मेन एडवांटेज क्या है इसकी यार, इस मॉडल की मेन एडवांटेज क्या है कि इसको टारगेट को ना बहुत कम समय में हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। टारगेट को बहुत कम समय में इसको हम अचीव कर सकते हैं। इट विल आल्सो बूस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस अमंग द प्राइवेट एंटिटीज। इट विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड इंक्रीज द कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ द आर्मी। छोटी सी बात समझो, आर्मी जो है अभी उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये गोको मॉडल उसी की तरफ एक कदम है। ये प्राइवेटाइज तो नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो प्राइवेट ये जो डिफेंस वाले काम है, अब सरकार प्रोजेक्ट सरकार बनाएगी, लक्ष्य सरकार रखेगी, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट करेगी प्राइवेट कंपनी। उनको स्वायत्तता दी जाएगी फील्ड में काम करने की, वो अपनी तरीके से काम करके उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। गोको मॉडल यही कह रहा है कि सरकार की जमीन होगी, सरकार की मशीन होगी, सरकार का पूरा सपोर्ट सिस्टम होगा, बस प्राइवेट आदमी को आके उसको क्या करना है दोस्तों, उसको प्राइवेट आदमी को आके इंप्लीमेंट करना है। यही काम रहेगा किसका, प्राइवेट आदमी का। इससे क्या होगा, आर्म फोर्स की कैपेबिलिटी बढ़ेगी भाई, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी उसमें, एफिशिएंसी। प्राइवेट आदमी तो अच्छे से काम करता है ना, जल्दी काम करेगा, तो टाइम जो है इंप्लीमेंटेशन, टाइमली इंप्लीमेंटेशन होगा, सारी चीज जो होगी वो बहुत ही अच्छे से यहां पर होगी। बात समझ में आ रही है, इसीलिए हमने गोको मॉडल जो है इंट्रोड्यूस किया। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना का समय आ गया है दोस्तों। देखो यार, ये करंट अफेयर का हमारा सेशन है मंडे टू अब तो सैटरडे, मतलब मंडे टू संडे हो गया आपका, मतलब 7 के 7 दिन
करंट अफेयर की क्विज और करंट अफेयर जो है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब कुछ बचेगा नहीं यार, 1 से 10 तारीख तक के बीच में अगर कोई भी टॉपिक बचा हुआ था फ्रॉम 1 to 10 वो हमने कवर कर लिया है, तो इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब के अलावा भी आपका 13 जनवरी से जो एक बैच है मैं लेके आ रहा हूँ, कहाँ पर आपका ये मैं लेके आ रहा हूँ, प्लस प्लेटफॉर्म पर। इतना ज़रूरी क्यों है सर हर जगह आप करंट अफेयर, बिकॉज करंट अफेयर जो है ना ये आपके एग्जाम का 60% पार्ट होता है, 60% ऑफ योर टोटल सिलेबस कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, या फिर आप अगर लैपटॉप पे देखना चाहते हो तो अनअकैडमी पे जाइए, unacademy.com, वहाँ पर प्लस प्लेटफॉर्म पे जाइए, और जब प्लस प्लेटफॉर्म पर जाओगे वहाँ पर आपको गोल सेलेक्ट करना होगा यूपीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट आपको एजुकेटर में वाईफाई स्टडी, वहाँ पे देखोगे मेरा कोर्स मिल जाएगा आपको, कैप्सूल कोर्स ऑन द करंट अफेयर, वहाँ जाइए उस कोड को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से पहले उसमें सब्सक्रिप्शन होता है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का और 2 साल का, 2 ईयर का। 1 महीने का 8,000 रुपये और 1 साल का कितना है दोस्तों, 40,000, ठीक है, बहुत कम पड़ता है 1 साल का, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए ये कोर्स आप परचेज करो। और 40,000 है, लेकिन अगर उसमें आप सुमित 10 इस्तेमाल करते हो, ये कोड इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा दोस्तों, 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। सो अगर आप ये यूज़ करते हो तो यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, 10% की आपको क्या मिल जाएगी, छूट, ठीक है। सो आई होप यार यू लाइक द सेशन, यू एंजॉयड इट, सो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं करंट अफेयर के ऊपर, और मैं ज्योग्राफी के ऊपर भी मेरा सेशन चल रहा है आपका, कब, 11 से लेकर 12 बजे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, आइए इसको ज्वाइन कीजिए। मॉर्निंग के अंदर जो क्विज क्लास होती है हमारी 5 बजे आता है डेली मॉर्निंग में, सुबह 5 बजे 5 AM पर क्विज आती है। देखो अगर वो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो इन करंट अफेयर को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज यार गो एंड वॉच दीज, एक सिंक्रोनाइज वे में इसको देखो, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।